ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अब जो कल से अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप लोग भी फील कर पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, क्योंकि बहुत सी न्यू बिगिनिंग्स, जो ये अक्टूबर का मंथ है, ये न्यू बिगिनिंग का मंथ है, तो कल से आप लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग फील कर पाएंगे। ठीक है, उसका एक तो रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स हमारा अक्टूबर मंथ आ रहा है, वन इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, फर्स्ट है, और अक्टूबर का जो टोटल होता है वो भी वन होता है, तो ऑल्सो वन इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। एंड वन अनदर रीज़न जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे जो मरकरी है, बुध ग्रह है, वो 27 सितंबर से रेट्रोग्रेड हुए हैं लीब्रा में। लीब्रा राशि मतलब तुला राशि में, जिसके स्वामी हैं शुक्र ग्रह, एंड द वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो हमारे शुक्र ग्रह होते हैं वो लव एंड रिलेशनशिप्स के ग्रह हैं। ठीक है, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है इनमें, तो इसका जो इफ़ेक्ट है हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। 18 अक्टूबर तक ये एनर्जी रहने वाली है दोस्तों। तो इस टाइम में आप लोग क्या क्या फील कर सकते हैं, वो इफ़ेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं, वेटिंग में होते हैं कि हमारा काउंटर पार्ट कब हमसे कांटेक्ट करेगा, कब हमसे बात करेगा। ठीक है, तो ये टाइम है जब ये शुक्र ग्रह और बुध ग्रह मिलकर ऐसा संयोग बना रहे हैं। इस टाइम में आप लोग कम्युनिकेशन अपने काउंटर पार्ट से 3D लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे वीनस होते हैं शुक्र ग्रह, वो हमारे इमोशंस को डिनोट करते हैं, हमारे फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन बुध ग्रह जब रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो जो बुध ग्रह है वो हमारी कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, बातचीत को। जो ये रेट्रोग्रेड है, ये आपके पर्सन को पास्ट लाइफ की मेमोरीज, पास्ट लाइफ की और पास्ट टाइमलाइंस की जो भी मेमोरीज हैं, वो सब रिमाइंड कर पाएंगे आपके पर्सन, उनको पिछली बातें, रियलाइजेशन, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इस टाइम में ये टाइम की जो इस टाइम की जो एनर्जी है एंड जो प्लैनेट्स की एनर्जी है, ये बहुत ही इंटेंस रहेगी। ठीक है, इंटेंस आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, अचानक से कॉल आ सकती है, अचानक से आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो भी आपसे कन्फेशन रहेगा, वो बाय हर्ट होगा इस टाइम में। पूरे दिल से वो अपना जो भी फीलिंग्स हैं उनको कन्फेस करेंगे। बहुत से लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है, जो भी पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहा था, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होगी कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अपने फीलिंग्स को। तो आप लोग भी ये देख पाएंगे, जिनके भी DM उनसे रन करते हैं, या जो भी उन जो लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि 3D में उनकी बात हो, मे भी वो बात कर पाएँ, उनके पर्सन उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, बट आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही केयरफुली रखनी है इस टाइम में। बहुत ही ध्यान से बात करें, जिनके भी पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं
उनसे बहुत ही ध्यान से बात करें, बहुत ज़रा इंटेंस एनर्जी ना दें, क्योंकि ये टाइम जो है, इस टाइम की जो एनर्जी ही इतनी इंटेंस है। तो आप लोग ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दी गई है, तो आप लोग अपने माइंड में रखें, थोड़ा अवेयर रहें कि हमें इंटेंसिटी नहीं देनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिनके पर्सन उनसे कन्फेशन करेंगे अपने लव के बारे में, तो वो एक्सेप्ट करें, बिल्कुल ये टाइम है, गुड टाइम है, यूनियन हो सकती है, काफ़ी लोगों की यूनियन पॉसिबल है, और आने वाला पोर्टल है 10-10 का पोर्टल है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आगे, और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं माँ दुर्गा के, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन ये जो प्लैनेटरी चेंजेस हुए हैं, इनकी वजह से ये टाइम और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया है आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों को 111 दिखाई दे रहा होगा, 1111 दिखाई दे रहा होगा, या 1010 नंबर बार बार जगह जगह दिख रहे हों शायद। तो इट्स अ साइन कि यस, न्यू बिगिनिंग्स आर अहेड। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, हैप्पीनेस, हार्मनी, सब कुछ आ रहा है। आप लोगों को बस बाहें फैला के उनको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी अभी जैसी भी एनर्जी हो, बट आपको पेशेंस रखनी है, पेशेंटली। पहली बात तो आप लोगों को वेटिंग के एनर्जी में नहीं आ जाना है ये सुन के, ठीक है। आपको अपने इनर वर्क पर ही फोकस रखना है। अगर आप अच्छे से अपने इनर वर्क पर फोकस रखेंगे, एग्जैक्टली उन्हीं के DM उनसे कन्फेस करेंगे, इट्स माई एश्योरिटी। और जिनका भी रीयूनियन हो आने वाले कुछ दिनों में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है। बिकॉज बाय हार्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ऐसी कि बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, बहुत से लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। बट आप लोगों को थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बहुत ज़रा इंटेंसिटी नहीं देनी है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी इंटेंस है। तो आप लोग भी अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें इस चीज़ के बारे में। आपका पर्सन कन्फेस करते हैं, बिल्कुल उनसे बात कीजिए, थोड़ा अवेयर होकर बात कीजिए, ठीक है। पेशेंटली बात करनी है, ठीक है। उनके जो इमोशंस हैं उनको समझिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है इस टाइम में। ये जो टाइम है रियलाइजेशन का टाइम है उन लोगों के लिए जो अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके DM भी है जैसे अपनी फीलिंग्स से रन करते हैं, तो वो भी ज़रूर रियलाइज़ करेंगे इस टाइम को। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन वो भी जो भी रियलाइज़ करें, ठीक है। और बाय पूरे इस बार वो पूरे दिल से आपके साथ कन्फेशन कर सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बट इसके लिए आपको खुद का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा फोकस खुद के इनर वर्क, खुद की ग्रोथ पर रखना है, कि कितना आप लोग रिलीजियसली इनर वर्क कर रहे हैं, कितना आपने खुद को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। 18 अक्टूबर तक ये टाइम रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अगर अभी जैसी भी आप लोगों की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कम्युनिकेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो बहुत ज़रा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल खुद पर फोकस रखिए, और बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है जो आने वाला टाइम है, ठीक है। और माँ दुर्गा के नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, साथ में जो 1010 का पोर्टल है वो भी है, लेकिन जो ये प्लैनेटरी चेंजेस हैं ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आए हैं। तो वेलकम कीजिए इस ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग का आप लोग अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हार्मोनियस रीयूनियन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन 3D लाइफ में आप लोगों को मिल सकती है,
ठीक है दोस्तों, तो वेलकम कीजिए इस टाइम का और हैप्पी रहिए। बिल्कुल जैसी आपकी एनर्जी होगी वही आप अपनी तरफ एक्सपेक्ट करेंगे, वही अट्रैक्ट करेंगे आप लोग अपनी तरफ। तो अपनी एनर्जी हाई रखिए इस टाइम में, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस टाइम का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।